हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर मोरे हैकर चैनल। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिनमें मैंने स्टोन बनाने की दो विधियों को बताया था और उनके बारे में विस्तार से कुछ और भी जानकारी दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिए। और जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है, मैंने क्योंकि बताया था उसमें कि मैं थर्ड विधि को बताऊंगा। तो जो थर्ड विधि है स्टोन बनाने की वो बहुत ज्यादा खास है और सिंपल सी है, पर यार उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, देर लग सकती है, क्योंकि उस चीज को बनने में काफी ज्यादा समय लगती है भाई। जब सरल है तो थोड़ा सा देर तो लगेगी ही। वैसे भी बात करते हैं, अगर स्वर्ण बनाया जाए उन्हें जो प्रमुख तत्व लगते हैं उनके नाम, पारा सल्फर यानी जिसको गंधक कहते हैं, नीला थोता जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, कुटज, मजीठ, सत्यनाशी, काला शीशा, तुरेटी, टंकड़, बम। तो बस ये मेन कुछ जो तत्व थे जिनके प्रयोग से हम स्वर्ण बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से, अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं, अगर सूत्र को फॉलो करते हैं तब। एक चीज होती है हमारे सूत्रों में कि जो सूत्र में एक्चुअली लिखा होता है वो नहीं होता, पर जो लिखा नहीं होता वही होता है। यानी कि आपको उस मेथड को समझना होगा तब जाके आप स्वर्ण को निर्मित कर सकते हैं। जो तीसरी विधि है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि तीसरी विधि को मैं करूँ बताऊंगा और साथ में उस चीज को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो ये बात तो सही होगी। मैं तीसरी विधि को बताऊंगा पर यार प्रैक्टिकल करना थोड़ी दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाऊंगा, पर आगे की जो वीडियो होंगी उनमें मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि यार हर चीज को मिलना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। मैंने बहुत दो तीन दिन से मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, गूगल पर रिसर्च की है, कुछ जाके नाम मिले हैं, कुछ के नहीं मिले हैं। पहली बात तो यार शुद्ध पारा और शुद्ध सल्फर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। जो सल्फर तो मुझे दुकानों पर मिल जाएगा आराम से, पर यार पारा की बड़ी मात्रा को लाना और उसके बाद उस चीज को शुद्ध करना, क्योंकि यार अगर हम थर्मामीटर से शुरू करते हैं पारे को तो बहुत ज्यादा कम होता है और काफी ज्यादा हमें महंगा भी पड़ता है, जिसके कारण यार उस चीज से निकालना और उसको शुद्ध करना, क्योंकि निकालने के बाद 1 ग्राम होता है, उसको निकालने के बाद कितना होगा वो तो मेरे हाथों में भी नहीं आ पाएगा। अगर आपको सही शुद्ध पारा मिल जाता है तो आप बहुत जल्दी इस चीज को कर सकते हैं, जो थर्ड हमारा मेथड है स्टोन बनाने की। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर को भी शुद्ध करना होगा, क्योंकि सल्फर हमें बाजारों में शुद्ध नहीं मिलता है। हाँ, अगर मिल जाए आपको तो और भी ज्यादा बेहतर है। तो आइए थर्ड विधि की बात करते हैं। तो थर्ड विधि जो मुझे मिली हुई है, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की तब जाके मुझे मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नरेंद्र चौहान, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके पास एक किताब है जो कि 400 से 500 साल पुरानी है। उनके पास जो वो किताब है उनमें बहुत सारी विधियां लिखी हुई है स्वर्ण बनाने की, उसमें से एक विधि जो है बहुत ज्यादा सिंपल है, उन्होंने बताई भी थी, तो मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। संस्कृत में बताया नहीं था, हिंदी में उन्होंने भावार्थ उनको जितना ज्यादा समझ में आया उन्होंने बताया है। तो स्क्रीन पर आपको एक भावार्थ दिख रहा होगा जिसका मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ है, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक को लेकर उसे कांच की शीशी में भरकर जमीन के अंदर एक व्यक्ति के बराबर, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि 6 से 7 फुट या फिर कुछ ज्यादा भी हो सकते, क्योंकि पिछले जो पहले के व्यक्ति थे कुछ ज्यादा लंबे होते थे, क्योंकि 400 से 500 साल पुरानी उनकी किताब होगी तो 12 फुट तक या 7 से 8 फुट तक ऐसा होगा, एक व्यक्ति के बराबर गड्ढे में डाल दें और उसे 6 से 7 महीने के लिए छोड़ दें, इससे हमें एक भस्म प्राप्त होगा। तो भाई बता दें कि जो शुद्ध पारा है हमारा और शुद्ध गंधक, जब हम उस चीज को दोनों को मिक्सचर करेंगे, भाई मेन बात होती है शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक को अगर आपने अच्छी तरह से भस्म बनाकर उसे एक्टिवेट कर दिया तो गाइस यही मेन है। ये इस चीज को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो यार किसी भी चीज को आप क्षण में बहुत जल्दी प्रवर्तित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हमें एक भस्म प्राप्त होगा जिससे बाद में निकाल कर जब किसी तांबे के एक टोले में रत्ती भर भस्म डालेंगे, यानी कि जब हम लोग उस जो भस्म निकलेगा जो एक तोला तांबा होगा उसमें हम एक रत्ती, यानी कि तांबे को ऐसे ही नहीं उसको पिघला कर उसमें एक रत्ती जब हम भस्म डालेंगे तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। ये बहुत सरल सिंपल सी विधि है, इसको मैं भी ट्राई करूंगा, क्योंकि सिंपल सी है, पर यार पहले नंबर पर गंधक और जो पारा है उस चीज को शुद्ध करना और उसको मंगाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं उस चीज को पहले फॉलो करूंगा, वो आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ ही बता दें और भी रिसर्च जितनी भी होती रहेगी इस चैनल के सहारे आपको बताता रहूंगा, आई होप आपको कुछ जानकारी पसंद होगी। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाया इसलिए सॉरी, पर यार मैं आगे की वीडियो में जरूर करूंगा, इस चीज को करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार इन चीजों का मिलना बहुत ज्यादा, अगर इतना ही आसान होता तो यार कोई भी इस चीज को कर सकता था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, कि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो देखने के लिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।